2022 मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा साल रहा, बहुत दिनों के बाद मैंने फिल्म फेयर मिडल ईस्ट में परफॉर्म किया अपना गाना इश्कम, जो कि 200 मिलियन पे चला गया है, और फिल्म फेयर मिडल ईस्ट ही गोविंदा सर ने पहली बार बहुत साल के बाद परफॉर्म किया और रणवीर सिंह ने उसको क्लोज किया, तो आई एम रियली ग्लैड। मुझे 2022 में मिड डे अवार्ड से लेके एक्सलेंसी अवार्ड से लेके और इंडिया का जो जितने भी टॉप मोस्ट अवार्ड थे जी से लेके सारे अवार्ड्स जो हैं मुझे मिले एज ए सिंगर, एज ए मेरी एल्बम को इश्कम को। और 2022 में ही मैंने मिर्ज़ापुर 2 की, जिसमें शेखु नाई का कैरेक्टर किया, लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर 2022 में ही मैंने सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म मॉन्स्टर में मेन गाना गाया, जिसको बोलते हैं घूम घूम, जिसकी वजह से साउथ में अब मेरे पास गानों की लाइन लग गई है, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं साउथ में मलयालम में तेलुगु तमिल में गाऊंगा। तो 2022 में ही मैंने अपनी लाइफ के सबसे बड़ा शो US टूर किया, यू नो यूरोप टूर किया, दुबई में और मिडल ईस्ट में कॉन्सर्ट्स किए। तो ये साल मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट ईयर रहा। मेरा इंस्टाग्राम फॉलोअर 1 मिलियन से सीधा 5 मिलियन पे बूम मार दिया इश्कम की वजह से। सो आई रियली थैंक 2022 और 2023 में जो कि है मेरी अभी वेब सीरीज आ रही है, जिसका नाम है 24x7 ऑनलाइन 24x7, जिसमें मैं हूँ अभिमन्यु सिंह है और डायरेक्टेड बाय संजय शर्मा, और मेरी दूसरी वेब सीरीज आ रही है इंस्पेक्टर अविनाश, जिसमें रणदीप हुड्डा है और मैं उनका राइट हैंड टिपर का रोल कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन रोल है। बाकी गाने रिलीज हो रहे हैं, एक सुपरस्टार के साथ फिल्म कर रहा हूँ गाने, तो मतलब अभी जैसे ये भरा हुआ है ना, ऐसे मेरी प्लेट टचवुड भरी हुई है। सो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऊपर वाले का और नीचे वालों का, सबका आपका, जिन्होंने बिलीव किया मेरा। यार सिंगल गाने आ रहे हैं, फिल्मों में गाने आ रहे हैं, अभी एक मणिरत्नम सर की फिल्म में गाना फाइनल हुआ है, तो गाने आ रहे हैं बढ़िया। नया तो मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ भाई, हर रोज़ नया सीखता हूँ पुरानी गलतियों से, और मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि 2023 में वो गोल मुझे अचीव करने हैं जो मैंने कभी लाइफ में टारगेट लगाया था, क्योंकि 2022 में मैंने बहुत बड़े गोल अचीव किए हैं। तो 2023 में आईफा, फिर से फिल्म फेयर, सारे अवार्ड्स लेने का प्रोग्राम है, सारे OTT अवार्ड्स लेने का प्रोग्राम है, और मैं जानता हूँ कि अगर ये सब इनकी तरफ मैं मेहनत करूँगा तो मैं ले लूँगा, और इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो इंडो अरबिक गाने बनाने का प्रोग्राम है, इंडो फारसी गाने बनाने का प्रोग्राम है, और बाकी पंजाबी गाने, साउथ गाने, गाने गाने सॉन्ग्स। यार मुझे अपनी फिल्म का वेब सीरीज का अनाउंसमेंट करना था 24x7 जो मैं कर रहा हूँ ऑनलाइन 24x7। इंस्पेक्टर अविनाश का मुझे अनाउंस करना था, अपना जो नए गाना जो मेरा इश्कम जो 200 मिलियन पे चला गया है, पब्लिक को थैंक्स करने के लिए आप लोग ही माध्यम है, वो करना था। जो मैंने फिल्म फेयर मिडल ईस्ट को, रिजवान भाई को, सबको थैंक्स करना था, और जो मेरी 2 बड़ी फिल्में जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और एक वेब सीरीज जो मैं जिसमें मैं एज ए मेन एक्टर और डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, जिसका नाम है लाखी गैंग, वो स्टार्ट करने वाला हूँ अप्रैल में, मार्च अप्रैल में। तो टचवुड इश्कम दिल भर दीदीना वही दीदीना मनाम कुश्ती दीदीना दीदीना वही दीदीना ओ इश्कम दिल भर दी। ये गाना मैंने मिक्का सिंह के साथ किया, एंड थैंक्स टू मिक्का पाजी साथ में जुड़े, और ये गाना वायरल हो गया इंस्टाग्राम पे, 5 मिलियन रील्स बनी है इस गाने की, और जिसकी वजह से बहुत शोज मिले हैं। मेरी दुकान है एनर्जी की, जिसमें से मैं कुछ एनर्जी रणवीर सिंह को दे देता हूँ कि भाई तू एनर्जी ले, तू जा, बाकी थोड़ी बहुत मैं अपने लिए रखता हूँ। सो दैट्स व्हाट इट इज। यार बिग बॉस देख रहा हूँ, सीजन 16 बहुत शुरू में बहुत ठंडा सीजन रहा, लेकिन सलमान भाई ने इसको पुश किया, एंडमोल ने पुश किया, सबको पुश किया, धीरे से अब जाके टेक ऑफ किया है, अब अच्छा लग रहा है। यार देखिए कपिल शर्मा का शो बहुत अच्छा शो है, लोग अपने बारे में बात करें, उन्होंने बोला किसी को एक्टर के साथ में आपका कुछ हुआ, तो उन्होंने बोला हाँ मैंने पहली फिल्म की थी रॉ टाइगर ऑफ सुंदरबन, उसमें एक एक्टर था बहुत बदतमीज़ था, ये इनके वर्ड्स है जो मेरे पास आया, और वो बहुत बदतमीज़ था, और मैंने उनके थप्पड़ मारा, फिर उसने मेरे थप्पड़ मारा, फिर हंसने लगे, हाँ बेसिकली नौरा फतेही जब आई थी यहाँ इनको कोई नहीं जानता था, मैंने ही वो फिल्म उनको दिलाई थी, और साथ में और भी गाने मैंने उनको दिलाए एज ए फ्रेंड,
और इंसान को अपना एहसान याद रखना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा नौरा फतेही कि आपका एक बड़ा स्टार होने से या आपका सुपर स्टार होने से मैं छोटा स्टार नहीं हो जाता, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी वहां तक पहुंचा हूँ। और हर इंसान को आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिसने आपको सपोर्ट किया है। और अगर आप सोचते हो कि ऐसे चीप स्टंट से कि मैंने थप्पड़ मारा, क्या अच्छा लग रहा है कि किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आप चैनल पे जाके बोल रहे हो, तो उससे आपको पता लगता है कि आपकी जो पीछे टीम बैठी है बहुत बेवकूफ़ है, कि उनको ये नहीं पता कि अपने स्टार से कहलवाना क्या है। नंबर वन। नंबर टू ये कि आपको इज्जत करनी चाहिए अपने को स्टार्स की जिन्होंने आपको काम दिया, और अभी आपका टाइम चल रहा है लेकिन जब गिरता है नीचे तो ऐसे ही गिरता है जैसे आप कॉन्ट्रोवर्सी में फंस गई थी, वो जिसमें आपने गाड़ी ली थी, गाड़ी बेची थी, आप समझे। तो हर इंसान का ऊपर नीचे आता है, वो जो जेल में बंद है, क्या नाम है उस बंदे का, हाँ सुकेश ना, हाँ उसकी कंट्रोवर्सी फंसी, फिर आप गवाह बन गए। तो इसलिए भैया अपने आप सही से चलो, ऊपर वाले ने इज्जत दी है आपको, तो अच्छे से अपना काम करो, दूसरे को ड्रैग मत करो। और जो बात 10 साल पहले खत्म होगी उसको आप दोबारा बोलती हो आगे कि ओ एक बदतमीज था, कुत्ता बिल्ली, यू नो कुत्ते के दांत भी होते हैं, अगर जो काटता है तो 14 इंजेक्शन लगते हैं। तो इसलिए आराम से रहो, अपना काम करती रहो, जहाँ भी तुम उछल रही हो जिन के साथ जाओ, मस्ती करो, ऐश करो। अगर आपके पीछे भी लोग हैं तो हमारे पीछे भी पूरे हिंदुस्तान की जनता है, और हम भारतीय हैं, और हम अगर मेहमान को प्यार करना जानते हैं तो उसका इलाज करना भी जानते हैं, बिकॉज हम मुजफ्फरनगर सिटी से हैं। नाम सुना होगा, हाँ यही होता है जब इंसान कुछ नहीं होता और ऊपर पहुंचता है, सक्सेस को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत बड़े बड़े स्टार्स वहां पहुंचे और ऐसे गिरे नीचे, फिर दोबारा उठ नहीं पाए। तो इसलिए सक्सेस को पचाना, जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, इस तरह सक्सेस को पचाना भी बहुत मुश्किल होता है। सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, ये सुपरस्टार्स क्यों हैं, अक्षय कुमार, अक्षय सर, अजय देवगन, इन्हें स्टार सुपरस्टार्स क्यों हैं, बिकॉज इन्होंने सक्सेस को पचाया है और एक सदी से लेके चले, हम्बल रहे। अगर आप सक्सेस हो रहे हो और उसके बाद में अगर आप किसी को नीचे दिखाना चाह रहे हो, किसी के बारे में बोलना चाह रहे हो, तो वो आदमी तो जवाब देगा। अगर आप मुझे पब्लिसिटी देना चाह रहे हो तो मैं भी लूंगा, डिजिटल जमाना है। आप मेरे बारे में कपिल शर्मा शो में बोलो या झलक दिखला दें बोलो, तो हम भी इस मीडिया के, आप लोगों की मीडिया के माध्यम से हम भी जवाब देंगे भाई। ये हाँ हमारे बारे में बोलोगे तो हम भी आपके बारे में बोलेंगे कि हमने आपको ब्रेक दिया, तो अपने उस्ताद को मत बोलो, उस्ताद हमेशा उस्ताद ही होता है बेटा। कैसे आपकी मुलाकात, तो कनाडा से ही, जिन्होंने इनको जानता था और ये यहाँ पर आई, इनको सपोर्ट किया, और जब इनके पास में ऑटो से घूमती थी तो सब, मैं नहीं बोलना चाहता लेकिन उन्होंने बोला है तो अब मीडिया में बोलूंगा, इनको सपोर्ट करना, इनको खाने पीने के पैसे तक मैंने दिए और मैंने इनको सपोर्ट किया हर तरीके से। ऐसी जब ऐसे लालचन लगते तो अंदर से बुरा लगता है। सलमान भाई ने बोला हमेशा कि नेकी कर और दरिया में डाल, हम नेकी करके दरिया में डाल दिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम सुनेंगे, कि हम मेहनत भी करें, हम आपको काम भी दिलाएं, उसके बाद में कुत्ता भी सुनने को मिले, और लोगों के आप जो चीज एक जगह खत्म होगी उसको आप दोबारा उखाड़ रहे हो 10 साल के बाद में, तो थोड़ा सा ग्रो अप, नया नया पैसा मिला है तो नया नया फेम मिला है तो बेटा उसको झेलना सीखो। इनो ये सरकारी महकमे आपके आगे पीछे जा रहे हैं तो थोड़ा अपना ध्यान रखो, ऐसा अपने दुश्मन और मत पालो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, जिसके लिए आए हो आप कलाकार हो, आप अपनी कला को आगे बढ़ाओ और अपने अपनी डांसिंग स्किल्स भी तुम बहुत अच्छी हो, जो काम तुम्हें अच्छा आता है वो करो, और हिंदी प्रॉपर बोलना सीखो, इनो भाषा मातृभाषा, और अच्छी हीरोइन बनने की कोशिश करो, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। यार लाइमलाइट पाने के लिए तो लड़कियां आजकल कैसी कैसी ड्रेसेस पहन के, सी थ्रू ड्रेसेस पहन के घूम रहे हैं, लाइमलाइट पहने के लिए लोग नंगे हो रहे हैं, तो लाइमलाइट पहने के लिए मैं थोड़ा नंगा होकर गाली देने लगूंगा। मैं सिर्फ जवाब दे सकता हूँ कि भैया आपने हमें हमारे बारे में ये बोला, हम जनता को बताना चाहूंगा कि नौरा फतेही को पहला ब्रेक मैंने दिया है, पूरी इंडस्ट्री जानती है। कमल सदाना से आप पूछ सकते हैं, अभी हमारे प्रोड्यूसर आफिस रिजवी, यू नो पूरे प्रोडक्शन से आप पूछ सकते हैं, जो जानते हैं नौरा को इंडस्ट्री में लाने वाले अली कुली मिर्जा हैं। और मैं भी ये नहीं बोलूंगा कि मैं इंडस्ट्री का कोई सुपरस्टार हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, यहां तक पहुंचा हूं और आगे भी और बड़े मुकाम हासिल करने हैं, लेकिन मैं कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता, अगर किसी ने बुरा भी किया तो इग्नोर करके आगे निकलता हूं। मेरे साथ ही बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन बिग बॉस के आते हम लोग सपोर्ट से कर रहे हैं, मैं साजिद खान को सपोर्ट कर रहा हूं।
अली भाई एक सवाल मेरा है कि आपने क्या राय है, क्या लगता है ये बिना मतलब की कंट्रोवर्सी या इसे खड़ा किया जा रहा है? ये पठानी कंट्रोवर्सी जो है, ये भैया देश में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बोलते हैं ना कि पांच उंगली बराबर नहीं होती। हमारा देश दुनिया का सबसे अच्छा देश था, है, रहेगा। जो लोग कोशिश कर रहे हैं भाइयों को आपस में लड़ाने की है, भाइयों को एक दूसरे को धर्म की दीवारें डाल के एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा करवाने की, होगा नहीं, क्योंकि जनता जानती है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हमारा हिंदुस्तान हमेशा अच्छा था, रहेगा। सारी भाषाएं यहाँ पर तकरीबन 30-40 भाषाएं बोली जाती हैं, 200 से ज़्यादा सभ्यताएँ हैं। हिंदुस्तान को कोई अलग नहीं कर सकते। 4-5-10-15-20 लोग जो ऑनलाइन में बैठे हुए हैं जुतियापा कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैसेज है कि भैया कितनी भी कोशिश कर लो, हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। प्रोमो देखा आपने पठान का सर? बहुत बेहतरीन प्रोमो है भाई, और सुपर हिट होगी फिल्म, और बहुत मेहनत की है एक फिल्म बनाने में, बहुत, चाहे वो पठान फिल्म हो चाहे वो कोई भी फिल्म हो, उसमें मेहनत लगती है यार। स्पोर्ट बॉय से लेके डायरेक्टर से लेके एक्टर से लेके जूनियर आर्टिस्ट से लेके कैमरामैन से लेके मेहनत होती है, और एक फिल्म में जब बनती है तो 1000 घर चलते हैं उससे। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि भाई फिल्मों की इज्जत करो, फिल्म बनाने वालों की इज्जत करो, एक्टर से लेके स्पोर्ट बॉय की इज्जत करो, ये फालतू के धार्मिक एंगल लगाना बंद करो। ये लोग वो हैं जिन पर काम नहीं है कुछ करने को, उनका काम ही यही है। तो मैं सिर्फ उनसे कहना चाहता हूँ, गेट अ लाइफ, यू नो, गेट योर सेल्फ सम लाइफ, गेट योर वर्क डन, अपना जाओ काम करो, देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचो, देश को तरक्की देने के बारे में सोचो। तुम्हारे पास में एक अमेजिंग प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जो कि देश को साथ लेके चल रहे हैं, हर बिरादरी को साथ लेके चल रहे हैं। तो प्लीज उनके किसी भाषण से कुछ सीखो और आगे बढ़ो। बिग बॉस पे क्या बढ़िया चल रहा है? मेरे फेवरेट साजिद खान है, मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज वो बहुत समझदार है, और मैं चाहूँगा कि वो जीते। और शिप भी अच्छा कर रहे हैं, सारे कंटेस्टेंट अच्छा कर रहे हैं, बट आई एम रियली हैप्पी कि इस वक्त एंटरटेनमेंट करने के लिए यही एक शो है, सलमान सर का नंबर वन शो है। सलमान सर इस शो में अपना 100% दे रहे हैं, एक एक कंटेस्टेंट को 1-to-1 समझा रहे हैं। हमारे टाइम में तो सलमान सर आते तो हमारी सबकी सिट्टी पिट्टी गुल होती थी, और ये वाले तो कुछ समझ ही नहीं रहे किसी को भी। और अमीन, सो मैं चाहूँगा कि एंडमोल से कि अपना स्टेटस और कलर सीरीज स्टेटस ऊपर रखें, और भैया इनको समझाएं और शो को और अच्छे से आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर।